लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटी कांग्रेस दिग्गज नेताओं की करीब एक दर्जन से अधिक जनसभाएं करवा चुकी है और इस बार एक खास रणनीति के तहत कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों के नामांकन के दिन भी सभाएं रखी गई हैं। आज पाली से कांग्रेस प्रत्याशी बद्रीराम जाखड़ अपना नामांकन दाखिल करेंगे और आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। मिशन 25 में जुटी कांग्रेस ने लगभग 300 सभाएं करने का लक्ष्य रखा है। इसमें सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी सभाओं में शामिल है। प्रदेश भर में सभाएं कर मिशन 25 को फतेह करने में जुटे हुए हैं कांग्रेस प्रत्याशी और कौन सा प्रत्याशी करेगा नामांकन, देखिए ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के दंगल के तहत अब मिशन 25 में पूरी तरह से कांग्रेस जुट चुकी है। आपको बता रहे नामांकन कौन सा प्रत्याशी कहां से कब भरने वाला है, कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन की तैयारी में भी पूरी तरह से जुट चुके हैं। पाली लोकसभा प्रत्याशी बद्री जाखड़ नामांकन भरने वाले हैं, उदयपुर लोकसभा प्रत्याशी रघुवीर मीणा और बांसवाड़ा से भरेंगे नामांकन। कोटा से रामनारायण मीणा 8 अप्रैल को पर्चा भरने वाले हैं। जोधपुर से वैभव गहलोत 9 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें जयपुर शहर से ज्योति खंडेलवाल 11 अप्रैल को पर्चा दाखिल करने वाली हैं, तो वहीं झुंझुनू से श्रवण कुमार 11 अप्रैल को पर्चा भरेंगे। बीकानेर से मदन गोपाल मेघवाल 12 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। तो वहीं जयपुर ग्रामीण से कृष्णा पूनिया 15 अप्रैल को नामांकन भरने वाली हैं। दौसा से सविता मीणा 16 अप्रैल को नामांकन भरेंगी। तो वहीं अलवर से भंवर जितेंद्र सिंह 17 अप्रैल को पर्चा दाखिल करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन की तैयारी में भी अब पूरी तरह से जुट गए हैं। पाली लोकसभा प्रत्याशी बद्री जाखड़ आज भरेंगे नामांकन। आपको बता दें उदयपुर लोकसभा प्रत्याशी रघुवीर मीणा और बांसवाड़ा प्रत्याशी ताराचंद भगोरा 6 अप्रैल को पर्चा भरने वाले हैं। तो वहीं चित्तौड़गढ़ प्रत्याशी गोपाल सिंह इडवा भी नामांकन भरने वाले हैं। कोटा से रामनारायण मीणा 8 अप्रैल को पर्चा भरेंगे और जोधपुर से वैभव गहलोत 9 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। जयपुर शहर से ज्योति खंडेलवाल 11 अप्रैल को पर्चा दाखिल करेंगे। तो वहीं झुंझुनू की बात करें तो श्रवण कुमार 11 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने वाले हैं। बीकानेर से मदन गोपाल मेघवाल 12 अप्रैल को पर्चा भरेंगे। लोकसभा चुनाव 2019 का दंगल अब लगभग पूरी तरह से शुरू हो चुका है। मिशन 25 में कांग्रेस पूरी तरह से जुट चुकी है। जनसभाओं के साथ साथ नामांकन दाखिल करने की भी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। आपको बता रहे कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन की तैयारी में अब पूरी तरह से जुटते हुए नजर आ रहे हैं। पाली लोकसभा प्रत्याशी बद्री जाखड़ आज नामांकन भरने वाले हैं, तो वहीं उदयपुर लोकसभा प्रत्याशी रघुवीर मीणा और बांसवाड़ा प्रत्याशी ताराचंद भगोरा भी 6 अप्रैल को पर्चा भरेंगे। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।